मैंने पीसेस काट के रख लिया है। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डियर गौतम ब्लॉग्स में हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारी वीडियो में और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने अरबी के पत्तों में बेसन लपेट दिया है, तो अभी ये पक रहा है, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ खोल के। ये फ्रेंड्स अभी पक रहा है, अभी पका नहीं है। तो ये देखिए मेरे पास ना लोहे की कढ़ाई नहीं थी, तो मैं लेके आई थी भाभी जी की कढ़ाई। फ्रेंड्स ये हमारे अरबी के पत्ते पक गए हैं, अभी तेल में मैंने इसको पका लिया है और अब उसको जो है छौंक दूंगी मैं। ना मेरे यहाँ लहसुन से ही सिर्फ छौंका जाता है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ डालते हैं। मेरे यहाँ तो सिंपल तरीके से बनता है, बिल्कुल आसान तरीके से, ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ता है। मसाले तो पड़ते हैं बट ज़्यादा वैसा कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ लहसुन ही, ओनली लहसुन से ही छौंका जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है सच में। छील के रख लिया है, अभी गैस नीचे ही रखा है क्योंकि अभी बस जस्ट छील के रखा है और गर्मी बहुत हो रही है तो मैं पसीना पसीना हो गई हूँ। ये मैंने पीसेस काट के रख लिया है, ये देखिए गाइस। मैं डालूंगी ये लहसुन, मैंने इसको सिर्फ पखरे सॉरी बेलन से कूच लिया है बस। ये ना मैं मसाला पीस के लाई थी घर से, गरम मसाला, तो यही मैं डालूंगी। और अगर ना भी ये हो आप लोग, तो अभी हमारा पकने वाला है आप। तो ये हमारा लहसुन पक रहा है, तो ओनली हम ना लहसुन से ही सिर्फ छौंकते हैं अरबी के पत्ते और वाकई में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमारे पास ना लोहे की कढ़ाई भाभी जी से लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास वो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई थी तो उसमें ना कोई स्वाद नहीं आता, इसलिए मैं लेके आई थी बड़े शौक से कि मुझे कढ़ाई दे दो भाभी अपनी, तो वो मुझे दी थी कढ़ाई, तो मैं उसी कढ़ाई में बना रही हूँ। सच में बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही यम्मी लग रहा था। तो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये ना हमने जो पानी बचा था उसका रेशन का, तो वो मैंने डाल दिया है ताकि जो रसा हमारा बने तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो गाइस ये देखिए अभी पकने के लिए तैयार है, तो ये इधर हमारा पकने भी लगा है, तो आधा पक चुका है। ये देखिए कितना देखने में यमी यमी लग रहा है ना, बहुत सच में बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे तो फेवरेट हैं। और इधर चावल भी बना लिया था। तो गाइस कैसा लगा हमारा आज का खाना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, ओके बाय बाय, गुड नाइट।